प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 5.2 का चौथा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें दिया गया है कोई धन 3 वर्षों में 216/125 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक की गई है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें दिया गया है कोई धन 3 वर्षों में इतने गुना हो जाता है, कोई धन। तो यहाँ से आपको ध्यान आना चाहिए, इसमें लिखा है कोई धन, तो कोई धन से आपको क्या याद आएगा कि माना वह धन एक्स है, क्योंकि इसमें धन का पता नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना वह धन, माना वह धन एक्स रुपए लिखना है, साथ में एक्स रुपए है। तो समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तो आपको लिखना है समय जो है, समय को हम लोग एन से दर्शाते हैं, समय एन बराबर 3 वर्ष दिया गया है, मैं इतने गुना हो जाता है। तो जब समय के बाद कोई सामान्य धन, कुछ समय के बाद कुछ धन बन जाता है, उसे मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन होता है 216/125 गुना। तो मिश्र धन आखिर होता क्या है, तो मिश्र धन मूलधन का ही हिस्सा होता है, तो मतलब एक्स का ही हिस्सा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 216/125 गुना हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन हो जाता है जो वो हो जाता है, मिश्र धन को हम लोग ए से दर्शाते हैं, मिश्र धन हो जाएगा 216/125 गुना। तो 216/125 गुना को मतलब एक्स का गुना इसमें ही कर देंगे, क्योंकि 216/125 और गुना का मतलब होता है वही धन हुआ है इतने गुना। तो देखिए आप, वह धन यानी कि एक्स 216/125 गुना हो गया है, मतलब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो गुना का ही माना जाता है। तो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक की गई है, वार्षिक की गई है तो कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से सूत्र बस लगा देना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो चूंकि अब आपको यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है, तो मिश्र धन का ही सूत्र लगाना है। फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है कोई धन, कोई धन को आप एक्स मानोगे, समय लिखोगे 3 वर्ष, 216/125 गुना हो जाता है, तो 216/125 और एक्स लिख दोगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मिश्र धन का ही सूत्र लगा देना है। मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन ए बराबर पी ब्रैकेट एक धन आर बटे 100 पर एन की घात। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ ए का मतलब मिश्र धन ही होता है, पी का मतलब मूलधन होता है, आर का मतलब दर होता है, और एन का मतलब समय होता है। तो ये P का मतलब क्या होता है, मूलधन, R का मतलब क्या होता है, दर, और N का मतलब क्या होता है, समय। चलिए मिश्र धन कितना दिया गया है, तो आंसर है 216/125 एक्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है 216/125 एक्स बराबर मूलधन कितना दिया गया है, तो आंसर है एक्स ही माना था हम लोगों ने, 1+R/100 आर का मान ज्ञात करना है, बटे 100, एन हमें दिया गया है 3, क्योंकि एन का मतलब होता है समय, उस समय कितना दिया गया था 3 वर्ष, तो हम यहाँ पर 3 की घात लगा देंगे। यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा 216/125 बराबर, यहाँ पर 100 का हम गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 100+R, 100 एकम 100+R/100, ये वापस से 100 ही हो जाएगा, और इसके ऊपर 3 की घात है, तो ये 3 की घात लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि ये 3 की घात है, यहाँ हम लोग घात हटा के घनमूल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 216/125 में ये यहाँ 3 लिखना है, और यहाँ पर लिखना है 216/125 बराबर 100+R/100। अब आगे हमें 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं 216 को, और 125 को 5 × 5 × 5, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 × 6 × 6 लिख देते हैं, तो 6 × 6 = 36, 6 के 216 होते हैं, और 5 × 5 × 5 लिखने से 25 × 25 = 125 ही होते हैं। तो सवाल इसी तरीके से दिया गया है कि आप घनमूल निकाल पाएँ। तो यहाँ
छः बटे पाँच आपका उत्तर आएगा, बराबर 100 प्लस आर बटे 100। अब त्रिया गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो पाँच का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 500, पाँच का गुणा आर में करेंगे तो आएगा 5R, बराबर 6 का गुणा 100 में तो आएगा 600। 500 का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 5R बराबर आएगा 600 माइनस 500, तो 5R बराबर आएगा 600 में से 500 चले जाएंगे तो 100, तो R बराबर आएगा 100 बटे गुणांक वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो 5, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और ये 0 ज्यों का, तो R बराबर 20%, तो आपकी जो ब्याज की दर आ जाएगी वो 20% आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप इसको कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट IMP क्वेश्चन लेंगे और इसी तरीके से IMP क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, आप 10-15 मिनट आपका जाएगा और उसके बाद आपको कर लेना है और बाकी सवाल भी सीखते रहना है। इसके साथ साथ जो चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं जो IMP क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए, और जिन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम की जो मैथ है उसमें आप जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू।